हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चलिए फिर से एक नया फूड ब्लॉग बनेगा आज। और रेसिपी है पोर्क मीट। और पोर्क मीट बहुत आदमी को अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो चलिए आज फ्रेश रॉ पोर्क लेके आया और इसको चलिए काटिंग वटिंग करते, धुलाई करते हैं और इसको बनाते हैं एकदम ऑथेंटिक तरह, एकदम लोकल जैसे हमारा यहाँ जो खाते हैं, एकदम प्योर लोकल ऑथेंटिक बनाएंगे। और वीडियो को पूरा देखना कैसा लगता, नहीं तो और कमेंट्स भी करना। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। ये है आज का जो हम लोग का मीट है, ऑथेंटिक बनाएंगे। और देख लेना हमारा, ये हम लोग काट के पीस कर ले रहे, पूरा काट दिया ना उसको। ये है और इसको हम लोग बना के दिखाएंगे कैसा है। पूरा वीडियो में जुड़े रहना और बताना कैसा है टेस्ट, और लास्ट में तो बताएंगे। फ्रेश मीट लेके आया, एक रॉ मीट होता है फ्रेश और एक ड्राई होता है, तो हम लोग फ्रेश रॉ मीट ही लेके आया आज। एडवांस होली ना, हम लोग होली हालिबा बोल रहे हैं, एडवांस होली बना रहा है हम लोग। देखिए मंडे होली है लेकिन हम लोग सैटरडे से शुरू हो गया हम लोग का होली। चलो मारो। बस हो गया। ये हमारा रेडी हो गया प्याज और लहसुन गार्लिक रेडी हो गया, और कढ़ाई में ऑयल भी हो गया। ये हो गया गार्लिक दे दिया, इसमें चला जाएगा अभी प्याज। अभी हल्का सा इसको फ्राई कर ले रहे हैं हम लोग। डाल दिया मीट, एक नया आइटम है आज जो पोर्क मीट हम लोग लेने, इसको मिचिंगा गुटी बोलता है। इसका एक फ्लेवर है, ऑथेंटिक है यहाँ का। और ये अभी सीजन नहीं है लेकिन हम लोग लेके आया, वो वीडियो में देखिएगा, बाज़ार में लेके आया 50 रुपीज़ का। अभी सीजन नहीं है बोल के 50 रुपीज़ है, लेकिन जब सीजन होता है तो ये सस्ता हो जाता है।
20 रुपया 30 रुपया में भी मिल जाता, लेकिन एक डब्बा बोल रहा था हम लोग को 100 रुपीज़, लेकिन हम लोग 50 रुपीज़ के लिए। लेकिन इसमें कुछ आप देखिए स्टार जो फ्रूट्स होता है उस टाइप का इसका है, देखिए स्टार जैसा है कुछ कुछ देखने में, स्टार जो नहीं होता हम लोग मसाला में खाता है उसका, इसका एक अलग तरीका का फ्लेवर आता है। तो ये हम लोग आज डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। इस दिन इसका पता हम लोग दिखाया था, खाया था मिचिंगा पता, और उसका ये गुटी है मिचिंगा गुटी, देखिए ये वाला मिचिंगा गुटी बोलता है उसको। हम लोग का राइस भी हो गया आज पॉर्क मीट के साथ राइस, ये राइस इतना अच्छा से हो गया रेडी। चटनी बन रहा है हम लोग का, इसका टमाटर को पहले वो कर लेंगे। ये राजा मिर्चा है, उसमें अभी थोड़ा गार्लिक देना होगा ना, गार्लिक दे दो थोड़ा, इसमें टमाटर जाएगा, गार्लिक जाएगा, राजा मिर्चा। गन निकल गया ना, जाल है आज का मोर्चा, जाल था देख लेना उसे, और एक दो टू दे देना, वो ही बोल रहा है। कौन आया, ये मोटा मोटी बॉयल पोजीशन में आ गया हम लोग का। पाउडर थोड़ा सा, ये हो गया नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से देना। हल्का से रोस्टेड करके फिर ऐसा करना पड़ता है, इचिंगा जो बोलते हैं हम लोग उसको, तो ऐसा करना पड़ता है तो इसका फ्लेवर जो है वो निकल के आता है, वो पूरा फ्लेवर निकल गया ना। और ये कलर तो देखो तो इतना सुंदर आ गया, लेकिन बोतल एमसी का बोतल में बिक्री करता है बाजार में हम लोकल मार्केट में, बासटेंगा का बोतल तो ऐसा नहीं मिलेगा बेम्बू शूट का, तो ये लोग क्या करते हैं एमसी का बोतल, इसलिए हम नहीं दिखा रहा है वो पार्ट, एमसी का बोतल में ये लोग बेच रहा है ठीक है ना, इसलिए हम साइड से दिखाया। आराम से खाओ, कलर इतना अच्छा आ गया अभी, इतना सुंदर हो गया, क्या डालेगा इसमें, ये देखिए
भी बैम्बू शूट वाटर डाल देंगे इसमें। बैम्बू शूट का जो पानी मिलता है हम लोग का यहाँ रेडीमेड, तो हम लोग इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर अलग हो जाएगा, सेंट अलग आ गया इसका। पूरा इतना अच्छा गंध आ रहा है, बहुत कड़ा है। हाँ बैम्बू शूट का पानी बहुत कड़ा है, पूरा आ गया। अभी थोड़ा देर रुकेगा तो फ्रेंड ये रहा आज का हम लोग का पोर का जो रेसिपी था, ये इनका चटनी है और ये देख रहे पोर्क है। और इसको मैं थोड़ा सा चख के बताता हूँ कैसा है नहीं है। झाल तो थोड़ी हुआ है थोड़ा सा, तो ये रहा और थोड़ा सा चटनी। वो फ्लेवर जो इसका बहुत अच्छा है, चटनी भयंकर झाल है। वो लोग हम सोचा झाल नहीं होगा क्योंकि इस टाइम में मिर्चा नहीं मिलता है, मर्चा मिलने में दिक्कत होता है, लेकिन पोर्क जो है ये है आपका। लेकिन झाल तो बहुत है, एक फ्लेवर बहुत अच्छा है इसमें। और कैसा हुआ कमेंट कीजिएगा। तो हमको तो अच्छा लगा, मतलब लाजवाब है, खाने से खाने को ही दिल करेगा आपको। और वीडियो को मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ, मैं टूट पड़ता हूँ मेरा खाना में अभी, पूरा मेरा ध्यान अभी इधर ही है। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और बताना कैसा ना कैसा है। चलिए फ्रेंड बाय बाय।